तो लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण सातवें चरण के लिए आज 8 राज्यों की 69 सीटों पर वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और आपको बता दें कि यूपी की 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। वहीं इसी के साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 8, बिहार की 8, पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9 और झारखंड की 3 सीटों पर मतदान हो रहा है। 8 राज्यों की 69 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से आपको बता दें कि वोटिंग शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से अपना वोट का प्रयोग किया, अपना वोट डाला। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से अपने वोट का इस्तेमाल किया, वहां पर अपना वोट डाला। और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह अलग अलग राज्यों में जो लोग हैं उनमें उत्साह दिख रहा है, वोटिंग को लेकर पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथों पर, अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। आपसे लगातार हम अपील कर रहे हैं कि आप भी लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लें और अपनी जिम्मेदारी निभाएं, वोट जरूर करें, क्योंकि आपका एक एक वोट बेहद कीमती है विकास के लिए, अच्छी सरकार के लिए और अच्छे चुनाव के लिए। जिस तरह का चुनाव आप चाहते हैं तो आप वोट भी जरूर करें। 8 राज्यों की 69 सीटों पर मतदान हो रहा है, आखिरी चरण जरूर है, 7वां और आखिरी चरण जरूर है, लेकिन यह आखिरी चरण सबसे ज्यादा अहम इसलिए बन गया है क्योंकि इस चरण में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इम्तिहान है, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। सिर्फ वही नहीं, आपको बता दें कि कई केंद्रीय मंत्री ऐसे हैं जो मैदान में हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे अलग अलग राज्यों की कि किस तरह से जो लोग हैं वो उत्साहित है वोटिंग को लेकर। तो आपको बता दें कि 8 राज्यों की 69 सीटों पर अब मतदान हो रहा है और ये आखिरी चरण है लोकसभा चुनाव के रण का, आखिरी चरण और 7वां चरण, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और अहम चरण ये इसलिए बन जाता है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा, रविशंकर प्रसाद जैसे दिग्गज मैदान में है और उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13-13 सीटें और बिहार और मध्य प्रदेश की 8-8 सीटें, पश्चिम बंगाल की 9 सीटें और आपको बता दें इसी के साथ कुल मिलाकर 8 राज्य की 69 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी थी। ललित नारायण कानपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। ललित जी, आज लोकसभा चुनाव का 7वां और आखिरी चरण जरूर है लेकिन सबसे अहम और महत्वपूर्ण चरण इसलिए क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा दांव पर है आज। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट पर जो है मतदान हो रहा है और वहाँ पर वाराणसी में भी मतदान है और इसके अतिरिक्त कई और राज्यों में भी चुनाव हो रहा है जिसमें कि बिहार है और पंजाब की पूरी 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। तो ऐसे में जो स्थिति है वो स्थिति ये बता रही है कि कहीं ना कहीं आज का जो एक तरह से आखिरी रण है उस आखिरी रण में हर कोई बेहतर करना चाहता है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार केदारनाथ में अभी भी बने हुए हैं और अगर मोनिका देखा जाए तो जिस तरह से बिहार में 8 सीटें हैं वहाँ पर वो भी पटना साहिब की सीट है जहाँ पर कि रविशंकर प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त पंजाब में सीटें हैं जिसमें कि अमृतसर की सीट है जहाँ पर हरदीप सिंह पुरी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये निश्चित तौर पर जिस तरह की स्थिति है ये बताती है कि कहीं ना कहीं आज का जो चुनाव है वो बेहद महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण चुनाव के साथ साथ जो है जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई है पिछले कुछ दिनों में, कल हमने देखा कि चुनाव आयोग को लेकर भी हुई है, तो ये सारी चीजों को इंक्लूड अगर कर दिया जाए तो आज जो मतदाता है वो सारी चीजों को देखते हुए अपना मतदान कर रहा है और हर कोई जो है अपने तरीके से उन मतदाताओं को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ललित जी तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।